राजगढ़ लोकसभा सीट से जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का विजयी प्लान क्या है, ये बात दिग्विजय सिंह आज अपनी पत्रकार वार्ता के दौरान एमपी न्यूज संवाददाता से खास बातचीत में कहते हुए नजर आए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी दिखाते हुए प्रतिद्वंदी को करारा जवाब दिया। वही दौरान दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और इस वक्त राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में वो पदयात्रा कर रहे हैं और करीब 30 साल बाद फिर इस लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दिग्विजय सिंह जी। इनसे ही हम बातचीत करेंगे। सर, आप राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे हैं, इसके पहले आपने नर्मदा यात्रा की, राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की, नर्मदा यात्रा की तो आपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, फिर आपने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद अब पदयात्रा कर रहे हैं सर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, तो सर क्या महत्व है इस पर? यात्रा कोई राजनीतिक नहीं होती है, ये तो अपनी इच्छा अनुसार है। मैं बहुत दिनों से राजगढ़ जिले में उस तरह से मेरा संपर्क नहीं था जिस तरह मेरे पहले हुआ करता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं पदयात्रा के माध्यम से अपने लोगों से बातचीत करूं, चर्चा करूं, उनकी समस्या का समझूं, और इसलिए मैंने यात्रा की है ताकि राजगढ़ जिले को लोकसभा में एक ऐसा प्रतिनिधि चुनकर आए जो राजगढ़ पार्लियामेंट सीट को दूर दराज गांव से लेकर शहर कस्बों तक जानता हो। सर, ये सीट आपकी पारिवारिक राजनीतिक दबदबा रहा है और 30 वर्ष के बाद आप पुनः आज चुनावी मैदान में इस सीट से, संसदीय सीट से, क्या आपका मुकाबला सर रोडमल नागर से है या नरेंद्र मोदी से? ध्यान से भैया, ध्यान से। देखिए, चुनाव नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राजगढ़ का लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, रोडमल नागर चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं और भी कई लोग हो सकता है चुनाव लड़े, तो इसलिए मोदी जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यह समस्या किसी राजगढ़ जिले के मतदाता की आती है तो वो रोडमल या दिग्विजय सिंह को ढूंढेगा कि मोदी जी को ढूंढेगा? ईवीएम पर भी सवाल खड़े करते हैं सर आप, और ये अभी आपने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा है कि यह राजगढ़ लोकसभा से करीब हम 400 कार्यकर्ता यहाँ से नामांकन भर दें। अब ये सोच है क्योंकि 384 मतदाता मतलब कैंडिडेट होंगे तो फिर बैलेट पेपर चुनाव होगा, तो इसलिए देखते, कई लोग कह रहे हैं हम 400 लोग खड़े करेंगे, देखते। आखिरी सवाल सर मेरा ये कि मोदी सरकार लगातार ये नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पार, क्या मानते हैं आप इसको? ऐसा है, गनीमत है कि उन्होंने 543 नहीं कहा। तो हमारे साथ मौजूद थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं और राजगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं, जो राजगढ़ लोकसभा सीट की सुसनेर विधानसभा में है, आज 21 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं और तमाम इनसे चर्चा हुई है। समरथ सिंह राजपूत, एमपी न्यूज़, आगरमालवा।